अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त यमी और यूनिक सा टर्किश हलवा। बहुत रिच है और बहुत यमी है और बहुत ज़्यादा क्विक बनकर ये तैयार हो जाता है। उसके अलावा पट्ठों, जोड़ों और हड्डी के दर्द के लिए ये बेहद मुफीद है और औरतों के लिए ये बेस्ट टॉनिक है। इसको आप बनाकर 2 से 3 महीने के लिए रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, बहुत ही फ्लेवरफुल है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने एक पैन लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 कप सफ़ेद तिल और इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पर। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए, और इनको मुसलसल हम हिलाते रहेंगे चमचा इसके अंदर ताकि ये नीचे से जले नहीं। और ये देखिए इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है सफ़ेद तिल की। और अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इन्हें उतार लेंगे और अब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है चॉपर, इसके अंदर हम इन तिल को डाल देंगे और इसके अंदर डालेंगे हम ऑयल। तो यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। और अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो ये देखें सेसमी सीड्स का हमने पेस्ट बना लिया है। और अब हमने लेना है एक बाउल और इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। यहाँ पर मैंने नीडो का मिल्क पाउडर यूज़ किया है और साथ ही 1 कप से थोड़ी सी कम पिसी हुई चीनी लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर ड्राई फ्रूट लिया है, इसको छोटा छोटा काट लिया है, वो ऐड करेंगे। अच्छी तरह इन सबको मिक्स करेंगे। अब हमने मज़ीद कोई कुकिंग नहीं करनी, जस्ट ओनली अब मिक्सिंग का काम है। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे तिलों का जो हमने पेस्ट बनाया है वो ऐड करेंगे। और इसके कटर से भी अच्छी तरह से ये उतार लेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। स्पैचुला से मिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम हाथों के ज़रिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मुझे इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा है तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून घी इसके अंदर ऐड किया है। आप चाहें तो इसके अंदर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखें अच्छी तरह से ये सारा मिक्स हो गया है। और अब हमने लेनी है यहाँ पर एक डिश और इसको अच्छी तरह से ऑयल से या घी से ग्रीस करेंगे। और अब इसमें वैक्स पेपर रखेंगे और इसको भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिनमें बादाम और पिस्ते हैं, इनको भी बारीक बारीक काट लिया है, उसकी लेयर लगाएंगे। और अब हमने जो है ये हलवे का मिक्सचर वो इसके ऊपर रखेंगे और इसको अच्छे से हम पैक करेंगे और जो बाकी का मटेरियल है उसको भी इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला लेंगे। अच्छी तरह से इसको हम स्पैचुला के ज़रिए प्रेस करेंगे या आप चाहें तो हाथों से भी इसको बिल्कुल अच्छे से प्रेस करें ताकि ये सभी साइड से इक्वल हो जाए। तो ये देखें अच्छी तरह से हमने इसको प्रेस कर लिया है और ये देखें ये अच्छी तरह से स्मूथ हो चुके हैं। और अब हमने इसको कवर करना है और कवर करने के बाद हम इसको तकरीबन फ्रिज में रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। तो 2 से 3 घंटे हो गए हैं इसको फ्रिज में रखे हुए। अब हम इसका कवर उतारेंगे और इसकी साइड्स को हम किसी भी स्पैचुला के ज़रिए या कटर के ज़रिए लूज़ कर लेंगे ताकि इसको निकालने में आसानी हो। तो ये देखिए हमारा बहुत ही अमेजिंग यमी और रिच सा ये टर्किश हलवा रेडी है। इसका टेस्ट बहुत यमी है और आप इसको बनाकर 2 से 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा यह हड्डियों, जोड़ों, पट्ठों के दर्द में बेहद मुफीद है, बच्चों और बड़ों के लिए लाजवाब चीज़ है और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का है। एक बार आप इस हलवे को ट्राई ज़रूर करिएगा और ये बहुत क्विक बन जाता है और आप इसकी जिस स्टाइल में चाहें कटिंग कर सकते हैं। विंटर के लिए ये तुर्की हलवा बहुत बेहतरीन है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।